आपकी जिंदगी का संदीप भैया कौन? मेरे ज़िंदगी के संदीप भैया बहुत सारे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे डैड हैं, मेरी मॉम है, मेरी बीवी हैं, इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त हैं, एंड समटाइम्स देर इज़ मनोज सर, समटाइम्स देर इज़ जाकिर भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है जीवन में किसी का एक संदीप भैया नहीं होता है। अलग अलग पड़ाव में, अलग अलग टाइम पे कोई ना कोई कुछ सिखा के जाता है। चाहे वो संदीप भैया का रूप मान लो, आपका गट मान लो, आपका कोई भी एक आके कुछ भी सिखा के चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है संदीप भैया एक भैया नहीं हो, एक एहसास है, आई फील। और वो एहसास आपको लाइफ में मिलता ही रहेगा। अगर आप जी रहे हो, आँख कान खुले हुए हैं आपको आपके, तो आप देखना कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा, वो कुछ सिखा के चला जाएगा। वो चाहे आप डिवाइन फोर्स बोल दो, चाहे भगवान बोल दो, यूनिवर्सल एनर्जी बोल दो। सो इट्स जस्ट दैट, इट्स अ फीलिंग आई फील, एंड आई फील ग्रेटफुल कि अगर इस तरीके से उसको अटैच किया जा रहा है। मैं अपने आप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो टेकिंग माई सेल्फ आउट ऑफ देयर। वो एक किरदार है, वो तरीके से किया गया है, खुशकिस्मती से वो अच्छा हुआ है। तो वो रिलेट भी इसीलिए होता है क्योंकि एवरीबडी इज़ देयर, एवरीबडी सीज देम सेल्व ओवर देयर। चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो किसी लेवल पे नहीं पहुंच पाया हो जहाँ चाहता है, लेकिन हर किसी ने वो चीज़ देखी है, एंड वी रिलेट दैट, एंड इवन आई हैव डन दैट, आई हैव रिलेटेड टू दैट, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम संदीप भैया, एंड आई फील ग्रेटफुल कि अगर इस तरीके से लोग उसको समझते हैं एंड सीखते हैं। इट्स ओनली, मतलब इट्स ओनली सो टू से ग्रैटिट्यूड इज़ व्हाट आई फील अबाउट ऑल दिस।